इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आ रही है, जहां दरिंदगी की सारी हदें पार पिशाच बने आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी आंखें फोड़ दी हैं। वहीं मासूम बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। जी हां, मामला दमोह जिले क्षेत्र का है, जहां बेहद ही वहशियाना वारदात सामने आई है। एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म कर दरिंदे ने पहचान छिपाने के लिए बच्ची की आंखें फोड़ दी। विभत्स कांड में दैत्य समान आरोपी ने पहले मासूम का अपहरण किया, इसके बाद उसके साथ रेप किया। आपको बता दें, बच्ची कल शाम से लापता थी। इस जघन्य अपराध का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि दरिंदे ने अपनी हवस मिटाने के बाद मासूम बच्ची की आंखें फोड़ दी हैं। इसके बाद आरोपी ने हाथ पैर बांध कर बच्ची को खेत में फेंक दिया, जहां से गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। जबेरा थाना क्षेत्र की इस घटना में आक्रोशित लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या अच्छा, हमें आज 4 बजे जबेरा, हमें लगा था इंजेक्शन सामने देखो, श्वास बड़ा थे तो हमें लगा था इंजेक्शन, तो हमें आज अस्पताल बंद हो गए। हालांकि मैडम जी जानती है, हमें इंजेक्शन लगा दें, दवाई दें, और इसके बाद में हम घर गए तो छोटी नातन हमारे पास में आई के बब्बा कल आए, हमने कछु नहीं लाए, हमने वहाँ 20 को नोट दो जाजू कछु खाने उसे खा लेंगे हैं। और बड़ा लड़का पाइप डोब तो सो वहाँ दो बेर में तो पाइप ये बता मोड़ी ला पता कितने बजे भाई मोड़ी वही 5:30-6 बजे से। अच्छा, पुलिस को जानकारी कितने बजे दी आपने? पुलिस को जानकारी दी हमने 12 बजे रात में, जब 6 घंटा हमने ढूंढ लो हमने मिली, फिर जानकारी फिर मिली आपको कितने बजे है? सुबह कितने बजे मिली? सुबह मिली है 7:30-8 बजे। कैसी अवस्था मिली? बेहोश पड़ी, आँखों से खून, आँखों से खून और हाथ बंधे दो ही ऐसी गली थी। फिर बाद में ये लोग गए जो रहे तो बाद होश में आ गई है और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगी। अच्छा, ठीक है सर। वो दमो वाले मामले पे दमो में लॉकडाउन में जब चारों तरफ पुलिस रहती है और उस स्थिति में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाना, उसकी आंख फोड़ के उसको फेंक देना मरणांतर स्थिति में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कानून व्यवस्था इस लॉकडाउन के समय पे ये बता रही है कि क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की। ये सरकार में मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बनते जा रहे हैं, पर ये कानून व्यवस्था पे तो ध्यान दें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो किड्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770222999